10,000 सब्सक्राइबर्स। गाइस थैंक यू सो मच मुझे इस माइलस्टोन तक रीच करने में हेल्प करने के लिए। और आप में से कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग से इस जर्नी में मेरे साथ रहे, मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट किया है, हर वीडियो को लाइक किया है, आई लव यू गाइस। तो मैंने सोचा कि इस 10,000 के अवसर पे मैं आपके साथ शेयर करूं मेरा 1 से लेके 10,000 का पूरा सफर। तो मैंने पिछले साल के जनवरी में इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में जो मैंने 5-6 वीडियो बनाए थे वो मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। ऐसे ही मेरा कोई दोस्त था जिसने पूछा कि भाई क्या कर रहा है आजकल, मैंने उसके साथ एक आध वीडियो शेयर की, फिर उसने हमारे जो कॉलेज का ग्रुप था उसमें शेयर कर दी, तो सब लोगों को पता चल गया कि अरे भाई ये वीडियो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही फिर 5 वीडियोस के बाद मैंने सोचा कि यार अब बना ही रहा हूं तो फेसबुक वगैरह पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर देता हूं। मेरा हमेशा से ये बोलता कि 100 वीडियो बनानी है। 100 वीडियो के टाइम पे अपन को अपनी विजुअल और जो भी वीडियो मेकिंग की स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना है, कि किस तरीके से वीडियो में लाइटिंग करते हैं यूज, किस तरीके से कैमरा को यूज किया जाता है, किस तरीके से वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और बहुत सारे यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर स्टार्टिंग से, उन लोगों को 100 वीडियो वाली बात पक्का मालूम होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर काउंट होता है जिसके बाद जो आपके टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं वो बढ़ना रुक जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए वो होता है 150 या 250 के बीच में। और ये जो 150 या 250 लोग होते हैं ये मोस्टली आपके दोस्त होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, जिन लोगों ने आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है। और 25 वीडियो तक अराउंड मेरे सारे फैमिली और फ्रेंड सबको पता चल गया था फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कि हाँ भाई ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है। तो मेरे भी वही 250 सब्सक्राइबर पे कह लीजिए जाकर के कांटा अटक गया था। अब इस टाइम पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो निकाली। अब ये जो पर्टिकुलर एक वीडियो थी मेरी स्लोली बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे। 200-250 के सब्सक्राइबर काउंट पे अटके रहने के बाद जब ये वीडियो चला तो इसने बेसिकली मेरे चैनल को एक अलग लेवल का बूस्ट दे दिया। ये वीडियो ग्रो होता गया, मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हुए, 2,000 सब्सक्राइबर हुए, होते होते फाइनली 5,000 सब्सक्राइबर तक मैं पहुंच गया। आप मेरी अभी भी 5,000 सब्सक्राइबर वाली वीडियो देख सकते हैं, और उस वक्त मैं काफी ज्यादा खुश था। लेकिन उस वीडियो को रिलीज करने के कुछ दिन बाद जब मैं अपने चैनल पे गया तो वहां जाके मुझे दिखा मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसपे अराउंड 400,000 व्यूज है, यानी कि नियर टू 500,000 व्यूज है। लेकिन ये जो पहली मोस्ट व्यूड वीडियो है उसके जस्ट राइट में जो दूसरी वीडियो है उसमें सिर्फ शायद 400 या 500 व्यूज है। उसके बाद अगली जो वीडियो है उसमें शायद सिर्फ 200 या 100 व्यूज है। और कह लीजिए उसका रीजन ये था कि ये जो बाकी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके, वो एक्चुअली मेरे दूसरे कंटेंट में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं। तो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा फील होने लग गया कि क्या यार मैं सिर्फ एक वन हिट वंडर टाइप का हूँ, मेरा एक वीडियो था वो हिट हो गया। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मुझे इस वीडियो को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अगर मैंने इस वीडियो को हटा दिया तो इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे एंड ऑल। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस वीडियो को इस चैनल से हटाना है। अब ऑब्वियसली उसके बाद इस चैनल की ग्रोथ बहुत ज्यादा हॉल्ट हो गई। पहले दिन के 50-60 सब्सक्राइबर्स आते थे, लेकिन अब सडनली 3 या 4 सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, एंड आई वॉज फीलिंग रियली बैड अबाउट दिस थिंग। पर इस टाइम तक अराउंड 40-45 वीडियोज में क्रिएट कर चुका था। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे धीरे धीरे कंटेंट क्रिएट करते जाते हो ना, तो स्टार्टिंग में बस जो मेरे दिमाग में आता था वो कंटेंट क्रिएट करता जाता। धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि ये यूट्यूब का जो पूरा मशीन है किस तरीके से चलता है। जैसे बिजनेसमैन रहता है मार्केट में, उसे समझ में आ जाता है कि यार ग्राहक की ये डिमांड है, यही सामान रखूंगा दुकान में तो बिकेगा। ऐसी यूट्यूबर लोग को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यार नोशन मुझे पसंद है, नोशन का टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो यार वो तो मैं पहले से ही बनाता आ रहा हूँ खुद के लिए, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बेसिकली जहां पे आपकी जो डिमांड है, जो जनता को चाहिए, और जहां पे मेरा कह लीजिए एक्सपर्टीज है, वो दोनों जहाँ पे कॉमन जो लाई करता है वेन डायग्राम में, अगर मैं उस जगह पे रह करके वीडियोस क्रिएट करता हूँ तो ऑब्वियसली वो वीडियोस आपके साथ क्लिक करेंगे। और मुझे धीरे धीरे जैसे ये चीज समझ में आती गई तो मैं उसी टाइप के कंटेंट को ज्यादा क्रिएट करता गया, और उन्हीं वीडियोस में से कुछ पर्टिकुलर वीडियोस भी अब चलना शुरू हो गई थी। 10 या 15 वीडियोस थी जो स्लोली स्लोली ग्रो कर रही। उसमें से हो गई आपकी आईपैड फॉर नोट टेकिंग वाली वीडियो, नोशन वाली वीडियोस, एंड ऑल दो मुझे वो रेट ऑफ ग्रोथ नहीं मिली जो ओरिजिनल वाली उस 500,000 वाली वीडियो से मिल रही थी, लेकिन स्टिल मुझे एक स्लो ग्रोथ मिली। लेकिन इस बार मैं जो वीडियोस क्रिएट कर रहा था उन पे पहले से ज्यादा व्यूज आ रहे थे। जस्ट कुछ दिन पहले मैं अपने मोस्ट व्यूड वीडियोस पे गया, वहां पे मेरी पहली वीडियो थी, अब वो 500,000 वाली तो मैंने हटा दी, मेरी पहली वीडियो पे अराउंड 50,000 व्यूज थे, दूसरी मोस्ट वीडियो पे 25,000 व्यूज थे, 14,000, 10,000। इस बार मुझे एटलीस्ट ऐसा फील नहीं हो रहा था कि डूड आई एम अ चीट। ऐसा नहीं कि मेरी सिर्फ एक वीडियो चली, एंड आई नो आप दूसरे यूट्यूबर्स के पास जाते होंगे, उनकी वीडियोस देखते होंगे, उनके यहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते होंगे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज होते होंगे। आज की तारीख में भी अगर मैं कोई वीडियो क्रिएट करता हूँ और वो 1,000 या 2,000 व्यूज क्लियर कर देती है, तो इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट,
हजार दो हजार बहुत ज्यादा होता है. क्या ये बेस्ट है? आई एम नॉट श्योर. क्या ये बहुत खराब है? आई डोंट थिंक सो. व्हाट आई फील इज दैट मे बी इट्स बेटर. और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपसे सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या फिर लाइक बटन दबाने के लिए नहीं बोलूंगा. मैं आपको जस्ट बोलना चाहूंगा कि थैंक यू. आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं एंड इस स्लो पेस्ड वाली वीडियो को भी पूरा देखने के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट अभी आने वाला है. मैं कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई आउट करने वाला हूँ और मैं उन एक्सपीरियंसेस को बेसिकली इस कैमरा के थ्रू, इस स्क्रीन के थ्रू, इस यूट्यूब के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो मैं उसका आपको एक छोटा सा स्नीक पीक देना चाहता हूँ. जिंदगी होती लिटरली एक महीने से हर रोज मैं अपना मेल खोल खोल के सुबह देखता हूँ और कभी कोई रिजल्ट नहीं आता. तो अभी मेरा IUPUI का रिजल्ट आ गया. रात का 1:30 बज रहा है. अराउंड 11 बजे मेरे को मेल आया था इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरा एडमिशन हो ही जाएगा. तो अभी रात के 3:30 बज रहे और मेरे को अभी थोड़ी देर पहले जॉर्जिया टेक का आया था कि तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पलटने का. लेकिन एक बार मैंने कहा कि यार पलट के देख रहा था. मैंने पलट के देखा और मेरा UMD का रिजल्ट आया हुआ था. और UMD में मेरा यूं ही बस चल पड़ा मुझको खुद की खबर नहीं, खबर नहीं. मैं हूं मुसाफिर हम सफर.